मैं चाइना में थी, उसने मुझे मारा था एक दफ़ा। सातवें दिन शादी के बाद अपने घर वापस आई, मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा अपने भाई से, आपने मुझे क्यों बेचा और कितनों में बेचा। पाकिस्तानी लड़कियों ने शादी की चीनी बाशिंदों के साथ, कुछ बहुत सारे स्कैंडल्स भी सामने आए और उसके बाद उनसे कोई मकरूह धंधा कराने का भी खबरें मौसूल हुई, उनको फिर बाजियाब भी कराया गया। अब जो मेरे पास खबर है वो बड़ी हैरान कन है, मैं दिखाता हूँ आपको। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली 20, 30, 100, 200, 300, 400, 500 नहीं 600 से जायद लड़कियों को चीन में शादी की गर्ज से फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में पाकिस्तानी लड़कियों को चीन स्मगल करने के इल्जाम में 31 चीनी शहरियों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिन्हें रवा साल अक्टूबर में बरी कर दिया गया। स्मगल होने वाली खवातीन को या तो रकम देकर चुप करा दिया गया या उन्हें संगीन नतायज की धमकियां दी गई। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी मीडिया को भी इन खबरों की इशाअत से रोक दिया गया है, जबकि आदमशुमार के मुताबिक चीन की हुकूमत की वन चाइल्ड पॉलिसी के बायस बेशतर खानदान लड़की की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं और चीन में 1979 से 2005 तक यह पॉलिसी नाफिज अमल रही थी, जिसके बायस चीनी मुआशरे में मर्दों और खवातीन के तनासु में बहुत फर्क हो गया था और एक अंदाजे के मुताबिक चीन को मर्दों के मुकाबले में 3 से 4 करोड़ खवातीन की कमी का सामना है और इन मसाइल के बायस चीनी मर्दों को शादी के लिए खवातीन नहीं मिलती, जिसकी वजह से बरूने मुल्क से खवातीन को चीन लाने के रुझान में इजाफा हुआ है। क्योंकि आपको पैसे भी मिल रहे हैं शादी के नाम पे, आपको मोबाइल फोन भी मिल रहा है, आपको महीने की मंथली भी जारी कर दी गई है, आपको ये भी कहा जा रहा है आपका जो दामाद है वो सीपेक का इंजीनियर है और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके भाई को, आपके वालिद को, आपके पूरे खानदान को चीन का वीजा दे दिया जाएगा, वहां पर आपको कारोबार करवा के दिया जाएगा। चीनी जो सीपेक का इंजीनियर है वो आपके नाम पर यहाँ पाकिस्तान में प्रॉपर्टियां खरीदेगा, वो यहाँ बिजनेस नहीं कर सकता शादी के बगैर, इसलिए वो शादी कर रहा है। तो एक ऐसा माहौल बना दिया जाता था कि वो तो समझते थे माँ बाप बच्ची के कि हमारी तो लॉटरी निकल आई है, वो तो शुक्राने के नफल करते थे। ये खबर इस कदर भयानक है कि ना ये सामने आती है ना खुलकर इसके ऊपर बात होती है, हालांकि इसमें से कितनी ही खवातीन इस वक्त भी चीन के अंदर ट्रैप हैं। पाकिस्तान के एक बड़े नेता को पूछा गया कि पाकिस्तान की लड़कियां चीन को बेची जा रही है, इस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो उन्होंने क्या जवाब दिया देखो। ये कुछ ज्यादा तादाद में नहीं है, पिछले साल 150 थी और इसमें अनफॉर्चुनेटली 90% जो थी क्रिश्चियन गर्ल्स थी और उनको ये तरीकाकार उन एजेंटों का ये है कि जो क्रिश्चियन है उसके लिए लड़कियों को क्रिश्चियन कर लेते हैं और जो मुसलमान है उसके लिए मुसलमान कर दिया। पाकिस्तान सरकार इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से लेती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान से चीन को भेजी जाने वाली लड़कियों में से क्रिश्चियन लड़कियाँ ज़्यादा है। सातवें दिन शादी के बाद अपने घर वापस आई, मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा अपने भाई से, आपने मुझे क्यों बेचा और कितनों में बेचा। जब मेरे बोलने का टाइम था आपने बोलने नहीं दिया, लेकिन आज देखें खुदा ने, मैं नहीं बोली, मैंने आवाज़ अगर उठा लेती उस दिन ना तो शायद नताशा, महक जितनी भी लड़कियों की शादी हुई है मेरे बाद, आई थिंक 25 लड़कियों की ये शादी ना होती अगर मुझे उस दिन किसी ने रोका ना होता, किसी ने ये ना कहा होता कि इनको मत बताओ, FIA के बंदे को मत ये चीज़ें बताओ। मैं चाइना में थी, उसने मुझे मारा था एक दफ़ा, मैं को भी पता है, मैं इसके साथ मोबाइल पे बात कर रही थी, मैंने इसे बोला मैंने चर्च जाना है, मुझे कह रहा तुम तैयार हो, मैं जाता हूँ, मैं तैयार होगी, तो इसे मैंने उठाया बोलो चर्च के लिए जाते हैं, तो इसने मुझे मारा थप्पड़ मेरे मुंह पे और मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। मुझे बहुत जलील करता था, मुझे मारता भी होता था और मुझसे ना पासपोर्ट भी छीने लग गया था कि तुम नहीं पाकिस्तान जाओगी, तुम्हें मैं खरीद के लेके आया हूँ, फिर तुमसे पैसे पूरे करूँगा। बड़ा दिल दहला देने वाला मामला ये है कि इन सैकड़ों हजारों के चीनी बाशिंदों को मुसलमान होने के जाली सर्टिफिकेट जारी किए गए। हमने जब प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में हमने दिखाया कि मुख्तलिफ चीनी बाशिंदे जो एक कंपाउंड में रह रहे थे, बच्ची 13-13 साल की पाकिस्तानी मुसलमान बच्चियों के साथ शादियां करके, तो हमने जब उनको कहा कि भाई आपका नाम क्या है, तो सबने अपने मुसलमानों वाले नाम याद किए हुए थे, हमजा था, सलमान था, उस्मान था, तो उनके पास सर्टिफिकेट थे यहाँ के मदारिस के बाकायदा, जिन पर हमारे उलमाए किराम की और मुफ्तियाने दीन की स्टैम्प्स मौजूद थी कि मुसलमान हुए। तो जब हमने उनसे पूछा कि भाई मुसलमान तो हो गए आप, कलमा होता है एक चीज होती है, पता है क्या होता है, तो उनको नहीं मालूम था। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने की कोशिश की, कलमा नहीं जानते थे, यानी लेकिन उन लोगों के पास यहाँ के मदारिस के सर्टिफिकेट मौजूद थे। वन ऑफ अ मुस्लिम गाय, इट्स बेटर आई कांट रिवील हिज नेम, ही सेड दैट यू आर अ क्रिश्चियन गर्ल, आई एम इन लव विद यू। आई सेड ओके। He said, I want that you marry me, but you will be converted. I said, no, I am a Catholic Christian, so why should I convert it?
He said, no, no. He making such a situation bad for me that I can't continue my study. पिछले साल जब ये खबर सामने आई थी कि चीन के पुरुष पाकिस्तान की ईसाई लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, तो हड़कंप मच गया था। पाकिस्तान के अधिकारी फौरन हरकत में आ गए थे। उन्होंने इन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के कार्रवाई करने के एक साल बाद आज भी चीन के पुरुष पाकिस्तान की ईसाई लड़कियों से ब्याह कर रहे हैं। हालांकि अब शादी का ये गौर धंधा बड़ी खामोशी से गुपचुप चलाया जा रहा है। अगर हम पीछे जाएं तो हुआ ये था कि 2020 में एक तफ्तीश से इस बात का पर्दाफाश हुआ था कि चीन के बहुत से पुरुष पाकिस्तान की गरीब ईसाई लड़कियों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। उन्हें अमीर घरों में शादी का झांसा दिया जाता है। इस काम से बहुत से अनुवादक और पादरी चीनी मर्दों की मदद कर रहे थे। पता ये चला कि इनमें से ज्यादा शादियां असल में एक फर्जीवाड़ा थी, जिसमें पाकिस्तान के पंजाब सूबे के रहने वाली गरीब ईसाई लड़कियों को शादी के बहाने चीन ले जाया जाता था, फिर उन्हें वेश्यावृत्ति के कारोबार में धकेल दिया जाता था। चीनी मर्दों और पाकिस्तान की ईसाई लड़कियों की शादी के इस घोटाले में अक्सर पादरी कोई रिश्तेदार या पारिवारिक दोस्त बिचौलिया की भूमिका निभाता है। फिर वो लड़की के परिवार वालों से बात करता है और शादी की तारीख तय करता है। फिर इन लड़कियों को गुपचुप तरीके से इस्लामाबाद ले जाकर उनका ब्याह कर दिया जाता है। इनमें से अधिकतर मामले एक जैसे ही रहे हैं। किसी गरीब ईसाई परिवार से धनाढ्य दिखने वाला चीन का कोई परिवार संपर्क करता है, उनके साथ कोई पाकिस्तानी अनुवादक होता है। चीन का ये परिवार ईसाई परिवार को या तो शादी की तैयारी के नाम पर या फिर उस परिवार का कर्ज उतारने के नाम पर 10 से 50 लाख तक की रकम देने को तैयार होता है। लगभग सभी मामलों में लड़कियों को इस्लामाबाद स्थित एक घर पर ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेना होता है। इसमें उन्हें चीनी भाषा जानने वाले अध्यापक सुबह से शाम तक चीनी भाषा सिखाते हैं। लड़कियों की देखभाल के लिए एक और आदमी भी नियुक्त किया जाता है। सोफिया नाम की एक लड़की के मुताबिक ये शख्स उन्हें अनुशासन में रखने के लिए बेहद बद्दी जबान इस्तेमाल करता है और गालियां देता है। चीन में एक संतान की पॉलिसी के चलते अब वहाँ के युवा बड़े पैमाने पर विदेशी लड़कियों से शादी रचाने लगाने लगे हैं। सबसे ज्यादा उदाहरण पाकिस्तानी लड़कियों के साथ चीनी लड़कों की शादी के आए हैं। चीन में इन दिनों लिंग असमानता की समस्या विकराल हो चुकी है। इसके पीछे वजह अगर चीन में शादी योग्य लड़कियों की कमी की है तो साथ ही ये भी कि चीन में आमतौर पर कोई भी पेरेंट्स अपनी लड़की किसी चाइनीज युवक को तब तक नहीं देता जब तक कि उसके पास अपना कोई फ्लैट नहीं हो। चीन के बड़े शहरों में फ्लैट बहुत महंगे हैं और इन्हें खरीदना युवा चीनियों के लिए लगातार मुश्किल भरा होता जा रहा है। चीन में ये शादियां बहुत महंगी पड़ती हैं। वहाँ अब शादी का खर्च तो लड़के वालों को वहन करना ही पड़ता है, बल्कि लड़की पक्ष को महंगे गिफ्ट भी देने पड़ते हैं। फिर चीन में आमतौर पर यह परंपरा सी हो गई है कि लड़की वाले उसी लड़के से शादी करना पसंद करते हैं जिसके पास अपना फ्लैट हो और अच्छी नौकरी।